अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी। सबसे पहले मैं कमेंट कर रिप्लाई कर दूँ, कितनी बार मुझे मेरी अपनी बहन ने मुझसे कहा था कि शुमैला तू क्या लड़कों की तरह बैठती है टांगे इधर उधर करके, आपको कैमरे में देखने में ऐसा लगता होगा पर मैं इसी जैसे लड़कियाँ बैठती हैं ना, मैं वैसे ही बैठती हूँ। मैंने क्लियर भी किया था बैठ के कैमरा लास्ट टाइम घुमा के यूं यूं करके, मैंने कहा देख रही मैं ऐसे करके बैठी हूँ, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आ रही थी, ये कहते हैं आपकी आप बहुत बुरी लगती हैं ऐसे बैठती है, तो मैं लड़कों की तरह नहीं बैठती, शायद आपको कैमरे में ऐसा फील होता। मेरी अपनी बहन ने मुझे कहा था यदि टांगे इधर उधर करके बैठती, मैंने कहा नहीं बाजी जैसे बैठती हैं लेडीज वैसे बैठती, कहती अच्छा वीडियो में ऐसे लगता है। तो यही कमेंट कितनी बार मुझे आया जी, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं बैठती, मैं जैसी लड़कियां हम आंटियां औरतें सारी बैठती हैं वैसे ही मैं बैठती, मैं लड़कों की तरह नहीं बैठती। अब जब भी बाकी बैठने मैंने ना आंसर करना ना उधर साइड पर खड़ा होकर वीडियो बना और फिर मैं बाइक पर बैठूंगी। तभी फिलहाल जी बच्चों के कल कपड़े धोए थे वो ऊपर से उतार के लेते, फिर बच्चों ने जाना है ट्यूशन पढ़ने, चले अभी हम छत पे जा रहे हैं जी, बच्चों के कपड़े उतार रहे हैं, मानो का भी कपड़ा चेंज करना है, जहाँ ट्यूशन जाना उसकी भी पैंट गिली थी वो लेके आते, सूख गई होगी अभी, फिर उधर ना भाई चलेंगे ट्यूशन पढ़ने। चले हाँ मैं भी आऊँगी आपको छोड़ने, पहले कपड़े तो उतारा, जूती नहीं ना तो पहन के आए। चलो जी चलो, इसकी पैंट ही ज़्यादा लेने आई हूँ, इसने तो शर्ट पहनी ब्लैक पैंट के साथ पहनी जाएगी, कल के दो या सूख गया ना किधर गया, ये दफा कि ये पैंट इसके साथ ही वो शर्ट पहनी जानी जो मैंने कर ली है, तो अभी कपड़े उतार लो जल्दी से, फिर नीचे चल रहे ट्यूशन भेज दें, अभी भी गीले हैं कल के धोए हुए हैं, नीचे ले जाते जो गीले ने लैदा कर लेती हूँ नीचे तारों पर डाल दूँगी। जो कपड़े सूखे थे मैंने तार लिया, वर्दा का कंबल धोया था वो भी गिला, ये दो चार कपड़े गिरे मैंने कपड़े रहने दो, हनान को फिर कहूँगी ट्यूशन से आकर उतार लेगा। चलो बेबी आपको लेकर चलो कपड़े चेंज करो, बेबी के काम जाकर। वाह भाई वाह, जाफत तो बहुत प्यारा लग रहा है। माना मैं कपड़ा चेंज कर दी कमीज रह गई, माना मेरे दूध पी रही, मैं दूध पी लिया फिर पहना दी, चलो पहनाओ खड़े हो यार, अंदर ही आ रही है आपके पास, चलो कंगी करो आपको कंगी करो। ये क्या कर रही हो, चलो चले भाई को ट्यूशन छोड़ने, चले भाई करा आप छोड़ने, चलो चलो जी आप कंगी कर देती हूँ एक बार दोबारा, ठीक है ड्रामे चेक करे चले गए ना, बस कर दवाई लेके आऊंगे ना बढ़िया, पापा कहते हैं हाँ दाना बना, चलो कोई बात, चलो जा ट्यूशन, बाय बाय। हनान कर मामा आप मुझे छोड़ने, चलो मामी डांटे ना है ना चला जो नहीं डांटे, चलो 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 दफा का बैग नानो करे बालों पे चावल लगा, चलो कल खुश हो रही घड़ी, पता नहीं की हो रहा है वेखा इधर नु कट रहे ने। बच्चों को जी मैं ट्यूशन छोड़ रही हूँ, घर देख लें सारा, मैंने आपने दोबारा नीटिंग किया, मेरी बाजी आई हूँ या अम्मी की तरफ, तो वो मुझे कहती हैं आपकी तरफ भी आना है, मैंने कहा था खाना छाना आप लोग हमारी तरफ खा लेना, अम्मी ने पहले सारा कुछ ला के रखा हुआ, कहते नहीं अम्मी ने ला के रखा हमने खाना छाना खाना, चाहे अगर आपकी तरफ आके पी लेंगे, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, थोड़ी देर तक आएगी फिर आते मैं सब्जी भी लेती हूँ, मुझे समझ नहीं था कि आपने, फिर मैं आलू को भी ले, तो अभी जी फिलहाल हमारे चने भी अभी तक पड़े, हमारे मसर भी पड़े कल के और चने भी पड़े हुए, चने भी नहीं खत्म, फ्रीज कर लिया, आपको पता मौसम ठंडा नहीं खराब होते और मसर भी पड़े हुए, अभी फिलहाल जल्दी से अपनी लागे सब्जी कटिंग करते हैं, फिर हम लोग अपनी सब्जी बनाएंगे, उतनी देर बाजी घर आ जाएंगे, बच्चे भी ट्यूशन से पढ़ के आ जाएंगे। ये जी मैं गोभी आलू सारा कुछ अंदर ले हूँ, प्याज वगैरह, जल्दी से अपनी सब्जी बनाते हैं, मैंने मसाला भून के ना गोभी और आलू दोनों डाल दी है, अभी इनको जान के रखे हैं, बनती है तो फिर आप सब्जी अपनी मैं दम पे रखाई हूँ, मानो मेरी इतना रो रही थी, मैंने कहा पहले मानो को सिला दो, आपने छोटा क्लिप देखा मैंने लगाया, भाई ना इसके बाल कटिंग करे थे उस मशीन के साथ जो लेके ना, कहते इसके टिंडे कर देता हूँ, वो बाल इतने इतने बड़े ना मशीन थे चले, भाई कहते लगता है ये सिर्फ ना शेव वगैरह के लिए भी हल्के फुल्के बाल रिमूव करने के लिए आया था, फिर मानो के तीन तो कोई कोई नहीं हुई, हालांकि मेरी बहन उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए थे, कहते कपड़े चेंज कर लेना फिर घर जाके नहला दें, बाल नहीं चुभेंगे, इसका बैन लगा हुआ है, पर कोई नहीं कटिंग हुई, मानो को सिला दो मैं, ठीक है नीनो कर लो छो जो। मानो मेरे यहाँ पे माशाल्लाह चावल खा रही थी, अभी खा ही रही थी कि हाथों पे भी लग गया मैं तो खाते खाते सो गई थी, वहाँ शकरे जाए भी ऐसे ज्यादा है, ऐसे ज्यादा है बच्चा मेरा। यहाँ जी वसीम लेके आए हैं जी चाइनीज चावल, खाला वगैरह ने भेजे शिमला मिर्च गाजर वो जो खराब प्याज होता है वो अच्छा ने, और वसीम दही भरी लेके आते, जैफन देखा क्या हाल किया, जैफन ने खाए कैसी है ना, वसीम अभी आ गया काम से,
अस्सलाम वालेकुम जी, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो अभी खाते हैं रात का खाना। जिम की शर्ट के लिए पानी भर के लाए ना, फिल्टर लाया ना फिल्टर से, तो इन्होंने ढक्कन घुमाया हुआ था तो वो पानी रात का गिरता है, इसलिए सारा गीली हो गई है शर्ट। चले जी, अभी हम लोग अपना रात का खाना खाते हैं। बाजी करा जी अभी अंदर आ गया, उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। बस मेरे बहन होने पे बाजी कह रही मम्मी की घर से पी के मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा, खाना खा करती हमने चाय पी थी, तो चाय वगैरह बन जाए, जिन जिन बिस्किट वगैरह मंगवाए वो मैंने डाल लिया, तो अभी ना चाय बन जाए भी अंदर लेके, तो उन्हें चाय वगैरह देते हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं बाजी के साथ। मानो देखे इधर आए बेबी, अंदर जाओ सर्दी है। हाय, ये मुंह आई है जी। आए, क्या हाल है? राफिया दीद भाई नहीं आए क्यों? वो गरी रह चुके हैं। हाँ, गरी रह चुके हैं। एक बंदे को पैसे है ऐसे सामने मैंने दिखा, जब उनको छुट्टी होगी बाबू आएंगे। क्या ये मालगढ़ कहाँ से लगी? हाँ, मालगढ़ का वो निकल गया सारा। अन्ने दिते ने ते क्या हना आने आते हैं ये आगे जी। वो दोनों नहीं है? नहीं, उन्होंने नहीं लेके बाजी वगैरह जी अभी चले गए हैं। अभी ये भी गया, अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, 10:28। तो मैंने आप लोगों से बात करनी थी, रिक्वेस्ट है थी उन लोगों से जो लोग वीडियो देखे कहते हैं हाय अल्लाह आपके मेरा राइडर है, हाय अल्लाह आप ये सब कहाँ से करते हैं, आप इतने खर्चे अफोर्ड क्या करती है? ये मेरे हाथ जुड़े आपके सामने दोनों, खुदा का वास्ता है, देख के ना माशाल्लाह कर दिया करे, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। इधर हमें कोई चंदे कराते हैं, हमारे को ये महीने नहीं लगे हुए आपके सामने। जिनको पैसे मिलते हैं ना लोग इधर उधर देते हैं, उनके खिलाफ वीडियो भी बहुत बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह एक रुपया भी मुझे हराम हो, इधर जब से यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने किसी से लिया, और 2-3 बार जो प्रमोशन भी किया ना मैंने, वो भी फ्री किया, मेरा खुदा जानता है। अगर मैं झूठ बोल तो मैं अभी मर जाऊँ, तो बड़ा मेहरबानी। ये जो कमाई है ना मेरे मियाँ की, हक हलाल किया और उसी पर हमारा पूरा घर चलता है, और बेशक हलाल कमाई में बरकत है वो आपके सामने। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हाय हाय मत किया करें, ये लोगों की हाई लेके ना मैं बैठी जा रही, दिन ब दिन थोड़ा सा मसला बनी जा रहा है। आज भी मेरा बिल्कुल मूड नहीं था व्लॉग बनने का, बस मैंने ना बड़ी ज़बरदस्ती में अपना व्लॉग बनाया, भी नहीं व्लॉग तो नहीं ना छोड़ना। तो बेतमान बहुत मेहरबानी, हाई मत डाला करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, देखे भी कोई बंदा अपने घर में खुश है और अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला रहा है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कर दो बेबी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।